press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एम। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अपने किसी भी शाओमी मोबाइल में डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड को चेंज कैसे करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर फ़िलहाल शाओमी कीबोर्ड सेट किया हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन करना है और नीचे की तरफ जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों, अब ऊपर की तरफ लैंग्वेजेस एंड इनपुट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको दूसरे नंबर पे करंट कीबोर्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जाने के बाद अगर आपने अपने मोबाइल पे कीबोर्ड्स को इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर सारे कीबोर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जी बोर्ड यानी कि गूगल कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद चलते अपने मोबाइल के नोट्स एप्लीकेशन पर। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेरे मोबाइल का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड चेंज हो चुका है। तो इसी तरह आप भी अपने किसी भी शाओमी मोबाइल के डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड को इजीली चेंज कर सकते हैं।